हर हर महादेव मित्रों, आज है 75 कड़े नंबर 44। सवेरे हम उठे 4 बजे, हमने लिया हल्दी शहद नीम और पानी और 4:15 बजे शिव जी को नमन करते हुए शुरू कर दी साधना, जिसके अंदर हमने किए सूर्य नमस्कार, शक्ति चलन क्रिया, शांभवी महामुद्रा और कुछ आसन। 1.5 घंटे तक साधना करने के बाद में, आज संडे था इसलिए बैडमिंटन नहीं था, इसलिए हम निकल गए आउटडोर वर्कआउट के लिए। आउटडोर वर्कआउट में हमने सबसे मारे कुछ स्प्रिंट्स, कुछ साइड जंप्स, फिर उसके बाद में हमने किया थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, फिर हमने मारना शुरू कर दिए पुशअप्स। हमने पहले पुशअप्स मारे, फिर कुछ क्रंचेस, वापस से कुछ पुशअप्स, फिर वापस से क्रिस क्रॉस क्रंचेस, फिर वापस से कुछ पुशअप्स, वापस से कुछ क्रंचेस, और फिर हमने किया पुलअप्स और किया साथ में हैंगिंग लेग रेज। पुशअप्स, क्रंचेस और पुलअप करने के बाद घर पे वापस आने के बाद हमने कुछ और पुलअप्स, कुछ और पुशअप्स एंड किया ट्राइसेप्स वर्कआउट। ये रहा बॉडी का हाल और हम हो गए पसीने में लथपथ। ये होने के बाद में आज एग्जैक्टली 8 बजे बच्चों को हमने बोला और फिर उसके बाद में 5-6 घंटा क्लास लेने के बाद हमने खाया दोपहर को दाल रोटी खाने के बाद और ऑफिस का काम करने के बाद हम आ गए घर पे वापस। घर पे आने के बाद में हमने पढ़ी हमारी बुक ट्रेडिंग इन द जोन। आज ट्रेडिंग इन द जोन बुक के अंदर हमने पढ़ा, जैसे कोई कसिनो वर्क करता है विद द ऑड्स इन देयर फेवर, और भले ही कुछ लोग उनके कसिनो के खिलाफ जीत जाए बट ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहते हैं लॉन्ग टर्म में, उसी प्रकार अपने ट्रेडिंग को देखना चाहिए। भले ही आपको कुछ ट्रेड्स में लॉस हो, लेकिन अगर ऑड्स आपके फेवर में रहे ओवरऑल सभी ट्रेड्स के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ट्रेडिंग इन द बुक पढ़ने के बाद में हमने खाया रात का खाना, जिसके अंदर हमने खाया दूध, चावल और कुछ स्प्राउट्स, और फिर किया हमने पानी का टास्क कंप्लीट। ये आज के सभी टास्क होते हैं खत्म। बोलो ओम नमः शिवाय।